हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जयश्री और स्वागत है आपका लाइफ इज़ ब्यूटीफुल की एक और वीडियो में। और दोपहर हो चुकी है, मैं काफ़ी देर पहले नहाई थी लेकिन तैयार होने का मौका नहीं मिला, ना ही मैंने कॉम किया है ना कुछ और। और उसका रीज़न जो है वो बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत स्ट्रांग है, और ये है वो रीज़न जो आज जो है सोने का नाम नहीं ले रही है। थोड़ा सा सोती हैं फिर उठ जाती हैं, अभी भी आँखें बंद कर रही हैं तो मैं लगातार झूला हिला रही हूँ ताकि इनको जो है नींद आ जाए और मैं कोई काम कर सकूं। मुझे बहुत भूख लगी है लेकिन मैं खाना नहीं खा सकती जब तक ये सो ना जाए, क्योंकि इनका कोई पता नहीं है कि ये कभी भी कह सकती हैं कि मुझे गोदी लीजिए, कभी मुझे दूध पिलाइए, कुछ भी करना पड़ सकता है। तो ये होता है मदरहुड, इतना ईजी नहीं है। तो मैं इनको 5-6 बार जो है सुला चुकी हूँ लेकिन ये बार बार उठ जाती है, और इसकी भी क्या गलती है, शोर ही इतना होता है। और मेरा गला अभी तक ख़राब है, अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और हमें डर भी बहुत लगता है क्योंकि इसको जो है कुछ हो ना जाए हमारे से, कोल्ड वगैरह, तो उसका बहुत डर लगता है। क्योंकि छोटे बच्चों को जब कोल्ड होता है तो उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो बता भी नहीं सकते हैं कि उन्हें एक्चुअल में कहाँ दिक्कत है ताकि उस हिसाब से हम दवाई दे सकें। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा ध्यान रख रहे हैं, होपफुली मैं जो थोड़ी बहुत मेरा कंजेशन रह गया है वो ठीक हो जाएगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे लगता है कि अब जैसे कि ये थोड़ा थोड़ा सो गई है तो जितनी देर ये सो रही है उतनी देर में फटाफट रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद में मैं खाना खा लेती हूँ ताकि मैं बाकी के काम कर सकूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत नींद आ रही है। क्योंकि 2-3 दिन से क्या है कि हर 2-3 घंटे में उठ रही है और मुझे बैक पेन वगैरह भी है, और सुबह मालिश वाली आंटी आ जाती हैं तो सो नहीं पाती हूँ मैं और ना ही सो पाती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं अभी सो जाऊँ, और उसके लिए मुझे फटाफट जो है काम करने होंगे। सो चलिए जल्दी से रेडी होते हैं। तो आज मैंने पहनी है वही वाली लॉन्ग ड्रेस जो मैंने लिया था सेल से। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि खाती वाला टैंक में एक शॉप है, वहाँ पे बहुत ही अच्छी ड्रेसेस मिलती है बहुत ही कम प्राइस में। मैटरनिटी ड्रेसेस का यही प्रॉब्लम है कि उसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसीलिए आपको ऐसी ड्रेसेस लेनी चाहिए जो कि आप बहुत टाइम तक अगर आप चाहें तो यूज़ करना चाहें तो ऑल्टर करवा सकें, और साथ में वो ज़्यादा कॉस्टली ना हो। ज़्यादा कॉस्टली होने पर आपको ये नुकसान है कि मान लीजिए कल को उसका जो उसका एक डिज़ाइन वगैरह है वो अगर आउट ऑफ फैशन हो जाता है तो शायद आप उसको दोबारा ना पहन सकें। मोस्टली ये जो ड्रेसेस होती हैं वो आउट ऑफ फैशन जल्दी हो जाती हैं, तो इसीलिए ड्रेसेस या गाउन कुर्ताज़ ये सब आपको लेने चाहिए तो वो बेटर होता है, इसीलिए मैंने ये सब ड्रेसेस ली है। समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कमी करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो ये फ्लिक्स हैं ये आगे आए क्योंकि बहुत प्रॉब्लम करती है बाद में, तो इसीलिए बाल को फिलहाल ऐसे ही कर लेते हैं। अभी तो सो रही है लेकिन कभी भी उठ सकती है, इसका कुछ कह नहीं सकते हैं, और इसको कोई भी हैंडल करने वाला नहीं है तो इसीलिए मुझे ही सब कुछ करना होगा। जल्दी जल्दी उठ रही है, और आज मैं आपको दिखाऊंगी लिपस्टिक जो मैं यूज़ करती हूँ, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने मंगवाई थी लेकिन इसका कोई रिव्यू वगैरह मैंने नहीं किया, तो इसीलिए ये है 5-in-1 लिपस्टिक, आपको दिख रहा होगा 5-in-1 लिपस्टिक है ये, बहुत ही अच्छी है। मैंने मीशो से मंगवाई थी, 158 की है, और इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, और साथ ही सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि अगर आपने इसको एक बार लगाया तो एक तो जल्दी से उतरती नहीं है, दूसरी बात है कि इससे आपको बहुत जल्दी उठ गई है, फिर से सो गई है, और मैं आपको फटाफट लिपस्टिक लगा के दिखा देती हूँ ये कितनी स्मूथ है, और इसके शेड्स बहुत ही अच्छे हैं, तो 158 में बहुत ही सॉलिड चीज़ है ये।
ये देखिए आप इसको इस तरीके से लिप लाइनर के तौर पे भी लगा सकते हैं ऐसे, और अंदर फिलिंग कर लीजिए। आजकल मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि थोड़ा सा लिपस्टिक लगाने का मन भी नहीं करता है। तो इंदौर के मौसम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इंदौर का मौसम जो है वो चेंज हो रहा है और सडनली गर्मी आने लगी है। जिस तरीके से हमें महसूस होता है शिवरात्रि और होली के बाद में कि ठंडा पानी तो उससे हम नहीं नहा सकते हैं, ना ही ठंडा पानी इस पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप जो है घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठंडी हवा आपको बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। इस मौसम की वजह से जो है हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि हम बाहर जा सकते हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से हम बेबी को बाहर नहीं ले जा रहे थे और इसी वजह से हमारी बहुत सारी आउटिंग नहीं हो पा रही थी। अब मैं खा लेती हूँ खाना और आज मेरी फेवरेट सब्जी बनी है, मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या खाने वाली हूँ। हमने आज बनाए हैं गाजर मटर और मुझे बहुत ही पसंद है। मुझे ध्यान भी नहीं है कि लास्ट टाइम ये कब बने थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है हमने ये सब्जी नहीं लेके आई, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता है सब्जी खरीदने का। मैं सारा दिन घर पे रहती हूँ, मेरे हस्बैंड सारा दिन ऑफिस, तो इसीलिए जो भी सब्जी हमें मिल पाती है हम वो खा लेते हैं। और गाजर बहुत टाइम बाद लेके आए हैं, तो मैंने सोचा चलिए आज गाजर मटर बनवा लेते हैं, इसीलिए मैंने ये बनवाई है। तो मैं इसे फटाफट खा लेती हूँ ताकि जो है मैं कुछ काम कर सकूं, अगर मुझे सोने का टाइम मिलेगा तो मैं सो भी जाऊंगी। तो बीबी भी आराम से सो रही है और जल्दी से मैं खाना खा लेती हूँ। ये है मेरी प्लेट, जब भी गाजर मटर की सब्जी बनती है मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ही ले लेती हूँ। तो ये है मेरी रोटियाँ, मेरी रोटियाँ कुछ इस तरीके से बनती हैं, क्योंकि इसमें सारी तरफ से घी लगा होता है, क्योंकि आपको डिलीवरी के बाद में खूब सारा जो है कहते हैं घी खाना चाहिए, तो इसीलिए मेरी रोटी शुरू से कुक ऐसे ही बनाती है। उठ रही है, काफ़ी ज़्यादा उठ रही है फ्रीक्वेंटली, तो इसीलिए मैं एक हाथ से खाना खाऊंगी और एक हाथ से इनको झूला दूंगी ताकि मैं एटलीस्ट खाना तो खा सकूं। पहले तो मैं ये भी नहीं खा सकती थी क्योंकि इसको हर वक्त हाथ में रखना होता था। झूला तो हम जस्ट अभी दिसंबर में लेके आए हैं, तो हमने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम निकाला है, ऑब्वियसली हमें कुछ पता नहीं था। तो जब चीज़ों का पता नहीं होता है सो यू लर्न दी हार्ड वे, आपको बहुत मुश्किल से चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस हमें थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट तरीके से हुआ। तो अब ये सॉरी और मैं खा रही हूँ खाना, लेट्स सी कितनी देर तक ये नहीं चलती है। नेक्स्ट 12 डेज में ये 3 महीने की पूरी हो जाएगी और मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है उसको मैं कैसे कम करूँ। तो ना तो मुझे एक्सरसाइज करने का टाइम मिलता है, ना ही मुझे इतना नॉलेज है कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि कोई भी हैवी एक्सरसाइज मुझे नहीं करनी है। वॉक वगैरह जो थोड़ी बहुत हो पाती है मैं करती हूँ, क्योंकि इसके साथ वो भी टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल करके वो चीज़ें की जा सकती है, क्योंकि मैंने काफ़ी मिस्टेक्स की अपनी पूरी प्रेगनेंसी में और उसके बाद भी, क्योंकि फुल प्रेगनेंसी में मैंने ओवर ईटिंग करी हमेशा। मुझे लगा कि शायद तो ये नॉर्मल है, इतना लोग करते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको लिमिटेड ही खाना चाहिए और आप भी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार वेट पुट ऑन जब हो गया तो उसको लूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने पहले यही किया कि मैंने फटाफट खाया, मैंने बहुत ज़्यादा खाया, और इनफैक्ट इसके होने के बाद भी मैं बहुत बहुत ज़्यादा खाती थी। लोगों ने मुझे कहा कि आप 600 रोटी खाइए, और मेरे को राइस पसंद तो मैं राइस भी खाती थी, और इतना मैं मजबूर हो जाती थी खाने को लेके कि मेरा मन नहीं करता था बिल्कुल भी एक रोटी से ज़्यादा खाने को, लेकिन फिर भी मैंने 5-5, 6-6 रोटियाँ जो है खाई हैं ताकि मुझे वीकनेस ना आए और उसको भी दूध मिल सके। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, अगर आपको नॉलेज नहीं होती तो आपके साथ बहुत बुरा होता है। तो आप
चाहे तो थोड़ा सा अपने डॉक्टर से कंसल्ट हमेशा कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है तो वो आपको अच्छी नॉलेज देंगे। तो हमने तो इन चीज़ों के बारे में कभी गौर नहीं किया, हमने तो वही किया जो हमने सुना था। और लोग यही करते हैं, किसी ने भी हमें नहीं कहा कि अरे आपका वेट बढ़ रहा है तो आपके साथ बड़ी कोई बात है। डॉक्टर ने मुझे टोका था अगस्त में, उसके बाद से मैंने थोड़ा बहुत ध्यान रखा, लेकिन ऑब्वियसली मूड स्विंग्स ऐसे होते हैं, बहुत डिप्रेशन सा फील होता है आपको, ऊपर से मैं नई जगह में नए घर में रहने आए थे, तो बहुत सी चीज़ें हो गई मेरे साथ में, लेकिन इट्स ओके, लाइफ आगे बढ़ती रहती है। अभी मेरा गला बहुत ख़राब है और आपको लग ही रहा होगा कि मुझे कितनी सर्दी है। खैर, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वेट लॉस के लिए और तो मैं कुछ नहीं कर सकती, वॉक मैं रेगुलर करने की कोशिश करूँगी अगर इसका एक टाइम टेबल सेट हो जाता है, जो कि थोड़ा थोड़ा हो भी रहा है। अगर इस तरह से हो जाता है तो मैं 90 मिनट्स की वॉक जो कि डॉक्टर ने कहा है वो मैं करने की कोशिश करूँगी। और डाइट में जो मैं चेंजेस कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सैलेड ज़रूर खाऊँ। आज तो मेरे पास सैलेड नहीं है, क्योंकि वो जो टमाटर मेरे हमारे पास घर में है सैलेड के नाम पे, वो अंदर पड़े हैं, या कैरेट वगैरह जो है मैं बाद में खाऊँगी। तो इससे क्या है कि उसको डाइजेस्ट करना ईजी हो जाएगा। खाने के साथ में अगर सैलेड मैं खाती हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं बहुत धीरे खाना खाती हूँ और ये कभी भी उठ जाती है तो आधा खाना रह जाता है, सो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर मुझे उस टाइम पे सैलेड खाने को नहीं मिलता तो मैं बाद में खाती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि एक्सरसाइज के साथ साथ में डाइट पे जो मैं ज़्यादा ध्यान दूँगी वो ये कि सैलेड मैंने आपको बताया। दूसरी बात है कि मैं जो चपाती खाती हूँ वो मैं थोड़ी खाती हूँ, और साथ में उसको खूब अच्छे से चबा के खाती हूँ। जब आप चबा के खाते हैं चीज़ों को तो उसके दो बेनिफिट्स होते हैं नॉर्मल लोगों के लिए, उनका उससे उनका पेट जल्दी भरता है और वो कम डाइट में ही उतनी एनर्जी चीज़ों के लिए ले सकते हैं। इससे क्या है कि आप ज़्यादा नहीं खाएंगे तो आपकी कैलोरीज जो है आपको ज़्यादा बर्न नहीं करनी पड़ेगी अगर आप वेट लॉस करेंगे, और आपको फुल सा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि आपने खाना खाया लेकिन आप फुल नहीं महसूस करेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया और आपको लेथार्जिक फील हो। और दूसरी बात, और यही चीज़ें बड़े लोग भी करते हैं जो कि स्टार्स वगैरह होते हैं, वो भी यही करते हैं। मैं पहले से यही करती थी, बहुत कम खाना खाती थी, इसीलिए मेरा वेट मेंटेन जो है मैंने लगभग कोशिश कर ली। लेकिन अब क्या है कि इसकी वजह से थोड़ा सा बीच में नॉलेज ना होने की वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया और मैं काफ़ी मोटी हो गई। तो अभी जो है मैं धीरे धीरे खाना खाऊंगी बिल्कुल, ताकि जो है, और साथ में झूला लाते रहेंगे, इससे मेरे को हेल्प हो जाएगी सारा खाना आराम से खाने में। इससे क्या मेरा वेट भी नहीं पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा फुल भी नहीं लगेगा और नींद भी नहीं आएगी बहुत ज़्यादा, थकान की वजह से ऑब्वियसली आएगी। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे खा रही हूँ और ये मैंने मेजर चेंज किया है। और इसकी वजह से जो दूसरा बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ ये होता है कि अगर आप बहुत अच्छे से चबा के खाना खाते हैं और ठीक क्वांटिटी में खाना खाते हैं जितनी आपको ज़रूरत है, तो इससे क्या होता है जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उन्हें अच्छा मिल्क आता है। तो अच्छा मिल्क आने से जो है आपको बहुत ईजी हो जाती है बहुत सी चीज़ें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है बाद में। अभी तो लोगों को पता नहीं है कि क्या चीज़ होती है, लेकिन जब आपकी एक बार बेबी हो जाता है तो आपको लगता है कि ये बहुत 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 बड़ी चीज़ है, आपका सारा ध्यान सारा फोकस इसी चीज़ पर जाता है, तो आप वो हर वो चीज़ करते हैं जो कि आपके जो है मिल्क सप्लाई को बढ़ाए। तो इसीलिए मैं इसको थोड़े धीरे धीरे चबा के खाऊंगी, इससे मेरे दोनों बेनिफिट हो जाएंगे, थोड़ा वज़न भी कम होगा और थोड़ा सा इसे मिल्क भी अच्छा बनेगा। तो इसमें सबसे बड़ा चेंज जो मुझे लगा है, सबसे अच्छा चेंज ये हुआ कि मुझे जो है लाइट फील होता है। पहले मुझे खा के बहुत ज़्यादा लगता था, बहुत ज़्यादा खा लिया, क्योंकि जब बिल्कुल ये हुई थी तब शुरू में मेरी कुक बनाती थी घी वाली रोटी, वो इतनी मोटी रोटी होती थी, उसके अंदर घी घी होता था, बिल्कुल जैसे पराठा टाइप होता है, पराठे में भी अंदर फिलिंग होती है तो वो खाली होता है, लेकिन उसको इतनी मोटी रोटी, इतना आटा होता था उसके अंदर, तो उसको खाना बहुत मुश्किल होता था। और उसको खाने के बाद में मुझे शरीर हैवी लगता था, मैं पिछले कई महीनों से बेड से सही से नहीं उठ पा रही थी, और बेड से लेटे हुए उठना भी मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क था, तो वो बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए जब से मैं इस तरीके से खाने लगी हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मैं लाइट फील करती हूँ। अगर आप लाइट फील करते हैं ना तो आप दिन के बहुत सारे काम बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो वाइस वर्सा होता है, बहुत मुश्किल होती है आपको हर चीज़ में। और अगर आप किसी का पूरे टाइम ध्यान रख रहे हैं जो कि अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बोल भी नहीं पाती है तो बेचारी, तो आपके लिए और भी मुश्किल है। सो यू है इन केस यू वांट टू स्टे एक्टिव किसी भी सूरत में, चाहे वो बेबी के बाद हो चाहे जैसे भी हो, तो आप जो है धीरे धीरे खाएं और लिमिटेड फूड खाएं और फ्राइड वगैरह अवॉइड कीजिए, वो मैं करती हूँ।
और धीरे धीरे खाऊंगी। सो आई एम होपफुल कि चीज़ें जो है इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। बाकी मैं कुछ टाइम में एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट करूंगी अगर ये करने दे तो। सो लेट्स सी क्या होता है। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, बहुत से काम पेंडिंग हो जाते हैं जैसे कमरों की सफाई वगैरह है, लेकिन फिलहाल छोटा सा काम है जो थोड़ा ज़रूरी भी है वो है इस कमरे को अरेंज करना। और कुछ दिनों पहले मैंने कपड़े धोए थे और जो समेटने वाले होते हैं मैं समेट देती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड की जो शर्ट्स होती हैं, मेरे लंबे कुर्ते जो होते हैं, उनको आयन करना पड़ता है और आयन तो ये करने नहीं देती है, ऐसे बड़े बड़े काम नहीं करने देती है जिसमें आपको लगातार काम करना पड़े। तो अभी ये सो रही है तो मैं सोच रही हूँ फटाफट इसे आयरन कर देती हूँ और कपड़े को थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ ताकि फिर से ये कमरा जो है थोड़ा सा देखने लायक हो जाए, कुछ चीज़ें जो है मिल जाए जगह। इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर। ओ ओ आ ओ ओ ओ ओ अरे अरे अज्जी आई। ओ ये एक तरफ बन रही है चाय जो अभी पकी नहीं है और दूसरी तरफ है एग्स, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अभी थोड़ा सा टाइम है, लेट्स वेट। तो ये हो गया है मेरा इवनिंग ब्रेकफास्ट रेडी। मैं बहुत थक गई थी इसलिए मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, मैं बस लेट पाई, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से लेट जाऊँ इससे पहले कि बेबी उठ जाए।